जूनियर इंजीनियर को अपने झांसे में लेने की कोशिशों में लगा एक फर्जी दरोगा आज असली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल यूपी के झांसी में आज मध्य प्रदेश का एक फर्जी दरोगा सड़क पर रौब झाड़ रहा था। शक होने पर जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो जो हकीकत सामने आई उससे सभी भौचक्के रह गए। सीपरी बाजार थाना इंचार्ज विजय पांडे ने इस दरोगा को नाटकीय अंदाज में पकड़ा। पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, मध्य प्रदेश पुलिस के दरोगा की नकली वर्दी और सोने की नकली गिन्नियां बरामद की। कल देर रात एसएसपी विनोद कुमार के निर्देशन में सीपरी बाजार थानाध्यक्ष विजय पांडे और उनकी पुलिस टीम गश्त कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक मध्य प्रदेश पुलिस के दरोगा की वर्दी पहने एक युवक शिवपुरी रोड पर घूम रहा है, जिसके बाद सीपरी पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। जयपाल सिंह बघेल नाम के इस आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो और उसका एक साथी लोगों को असली सोना बेचने का लालच देकर नकली सोना थमा देते थे। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि वो झांसी में दरोगा बनकर रेलवे के जूनियर इंजीनियर की बेटी से 21 जून को शादी भी करने की तैयारी कर रहा था। मैं फ्री हो जाता था, बस शौक से ही पहन रखी थी और कुछ नहीं था, तैयारी भी रही थी। झांसी कितने का खरीदा था? ये बनवाई थी मैंने करीबन 3,500 के लगभग। अभी तो कितने लोगों को आपने ऐसा किया? वैसा गलत किसी के साथ नहीं किया। पुलिस ने आपको कहाँ पकड़ा? पुलिस ने मुझे यहीं पकड़ा बोला। इस शादी में उसे 18 लाख रुपए दहेज भी मिल रहा था, लेकिन एन वक्त पर पुलिस की सूझबूझ ने उसकी नापाक हरकतों को नाकामयाब कर दिया। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे।